आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं मंगलवार सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस पर। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के राइट हैंड माने जाने वाले दीपक कुलकर्णी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने दीपक कुलकर्णी को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। दीपक कुलकर्णी मेहुल चौकसी की हांगकांग की कंपनी में डायरेक्टर था और इस पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी अब दीपक कुलकर्णी को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेगी और उससे पूछताछ करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर को लेकर अयोध्या में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस मौके पर 3 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। इस मौके पर यूपी के राज्यपाल, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी भी दीपोत्सव में शामिल होंगी। कर्नाटक में आज लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों की काउंटिंग का काम हो रहा है। कर्नाटक में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन चुनावी नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस के बाद उसके भविष्य के समीकरणों को देखते हुए इनके नतीजों का सबको इंतजार है। साथ ही साथ इन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है। ये एक नए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम का नाम बदलकर अब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। इससे पहले इस स्टेडियम का नाम इकाना स्टेडियम था और नाम बदलने को लेकर एक बार सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने नाम बदलने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। तो फिलहाल 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी .firstpost.com।